कोई बात नहीं, चोर शराबा मत, अभी अभी प्रवेश पर रहे थे। आखिर ये क्या हो रहा है? एमपी के बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में बीजेपी नेता का ऐसा अपमान? कोई बात नहीं, चोर शराबा मत, अभी अभी प्रवेश पर रहे थे। आखिर बीजेपी के कौन से नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से गुस्से से तमतमाते हुए यूं निकल गए? दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एमपी के पारसवाड़ा भादुकोटा में लगे दिव्य दरबार में उस वक्त बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, जब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन को मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने से पहले ही बाउंसरों ने रोक दिया। देखिए इस वीडियो में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री मंच के कोने में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता बाउंसर्स ने रोका है और मंच पर विराजमान है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मंच पर जाने से रोकने पर विधायक के PSO बाउंसर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में उनके बाउंसर बीजेपी विधायक और उनके PSO की एक नहीं सुनते और उन्हें अंत में वहां से जाना पड़ता है। दोस्तों, ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक बस यूं ही चलता रहा। भरे मंच से बीजेपी विधायक की ऐसी बेइज्जती हुई और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हुई। आखिर में विधायक बिसेन अपनी बेटी मौसम के साथ कार्यक्रम छोड़कर बालाघाट के लिए गुस्से से तमतमाते हुए कुछ यूं निकले और उनके साथ उनकी बेटी, मौजूदा राज्य मंत्री जो उनके साथ थे, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया था, उन पर भी खूब नाराज हो रही थी। दोस्तों, अब ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एमपी के बागेश्वर वाले बाबा एमपी से बाहर जाते हैं तो बीजेपी के सांसद उनके ड्राइवर बन जाते हैं और खुद उनके राज्य में यानी कि एमपी में बीजेपी विधायक को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर मंच पर पैर तक नहीं रखने देते हैं। विधायक बिसेन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? वीडियो रिकॉर्ड होने तक अब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। आप बीजेपी विधायक के साथ भरे मंच पर ऐसे व्यवहार पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।